नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए अब सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। और अधिक ऊर्जावान हो चला है, हम सभी लोग एक बार पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज का यह पुण्य अवसर जिसमें हम सबकी शुभकामनाएं सुखी सभी हों, कृषक और श्रमजीवी को, जन को मान मिले, उन्नत हो अभिशप्त दीन को वैभव का वरदान मिले, साम्य सलिल की अनुपम धारा बहती विमल विशेष रहे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर समारोह में उपस्थित हमारे उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे लोकसभा टिहरी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय महारानी जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जी, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित आदरणीय विश्वास डावर जी, यहाँ पर हमारे बहुत सारे महानुभाव, अब मैं नाम की औपचारिकता में नहीं जा रहा हूँ, सभी उपस्थित सभी अतिथिगण और हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव संधू साहब, पुलिस महानिदेशक अशोक जी, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज से हम भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष अर्थात हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं वह महान स्वतंत्रता के सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का प्रतिफल है। इसी त्याग एवं बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नए संकल्प से
आगे बढ़ने के उद्देश्य से सभी देशवासियों का आह्वान किया है कि स्वतंत्रता के इस पावन पर्व को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सनातन भारत की नींव और न्यू इंडिया के निर्माण का जो संकल्प लिया है उसे सिद्ध करने के लिए हम सभी 130 भारतवासियों को अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा, तभी स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य पूर्ण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ठीक आज से एक दिन पहले, आज के दिन हमें भारत को आज़ादी मिली, भारत का हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उससे पहले 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जो विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाने का आह्वान किया है। यह दिवस जहां एक ओर हमें विभाजन की दुखद त्रासदी से मिले सबक का बोध कराएगा, वही हमें आपसी भेदभाव, वैमनस्य एवं दुर्भावना के जहर को भी खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले तथा देश को नेतृत्व देने वाले सभी महान विभूतियों को नमन करता हूँ, सभी वीर जवानों को नमन करता हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। सीमा पर खड़े सैनिकों को, वीर सैनिकों को, जिनके कारण से हम आज़ाद हिंदुस्तान में खुली हवा और खुली सांस ले रहे हैं, मैं उन सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश की एकता एवं अखंडता को रक्षा हेतु तत्पर हैं। मैं आज के इस पावन अवसर पर जिन उत्तराखंड के आंदोलनों जिन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिन्होंने राज्य निर्माण में अपना योगदान दिया, ऐसे सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के इस दौर में हम एक नए भारत के निर्माण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। राष्ट्र सेवा के लक्ष्य को आत्मसात कर नई नीति और नई नीति के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और संकल्प शक्ति से पिछले 7 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारा देश कई ऐसे महान निर्णयों का साक्षी बना है जिनकी कल्पना भी इससे पहले मुश्किल थी। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में हम सभी के आराध्य देव, जिनका नाम हम लोग हर पल और हर क्षण लेते हैं, कभी कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, हमारे मुंह से अनायास या स्वाभाविक रूप से हे राम निकलता है, ऐसे आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी इसी सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति है कि हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को और जिस राज्य से हम लोग आते हैं, हमारे उत्तराखंड प्रदेश से बहुत सारे हमारे हजारों की संख्या में सैनिकों ने उस कश्मीर को बचाने के लिए अपनी शहादत दी, उस धारा 370 और 35A से भी आज़ादी दिलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक देश और एक विधान और एक निशान का संकल्प साकार हुआ है। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से हो रहे शोषण से आज़ादी मिली है। भारत विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आज देश का हर घर बिजली से रोशन है। करोड़ों परिवारों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य रक्षा कवच मिला है। उज्ज्वला योजना से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हुआ है। पहले के समय में हम सब लोगों ने महसूस किया है कि हमारी माताएं बहनें जो गरीबी में अपना जीवन जीती हैं, उनके खाना बनाते समय उनके पेट के अंदर सैकड़ों बिगड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं उनके अंदर चला जाता था, उससे निजात दिलाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक सफल लड़ाई लड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। इस मंच से मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी युवा शक्ति का पूरा विश्वास किया है। देश के युवा
खुलकर अपनी प्रतिभा और अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सकें, इसके लिए प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, कानूनी बारीकियाँ, हर चीज़ में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश और समाज में बहुत से बदलाव लाने हैं और ये बदलाव युवाओं को ही करने हैं। देश के युवाओं पर इतना विश्वास जताने और देश की प्रगति में भागीदारी के लिए युवाओं को अवसर देने के लिए मैं युवाओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रिय प्रदेशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड वीर भूमि है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है। यहाँ लगभग प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई सदस्य देश की सेवा, देश की रक्षा के लिए सैन्य अथवा अर्धसैन्य बलों में तैनात है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं सभी सैनिकों तथा उनके परिवार की समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। हमारी सरकार सही सैनिक परिवारजनों के साथ खड़ी है। हमने शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दिए जाने वाले पेंशन को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय किया है। हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय औसत आय से अधिक है। उच्च आर्थिक विकास के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। क्षेत्रीय असमानता को दूर कर तथा राज्य के प्रत्येक युवा, महिला, किसान, व्यापारी के चेहरे पर मुस्कान लाना हमारा परम लक्ष्य है। भाइयों और बहनों, उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, उत्कर्ष सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। हमने युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने की भी प्रतिज्ञा की है, एक संकल्प लिया है और इस दिशा में हमने मजबूत कदम भी उठाए हैं। हमने विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24 हज़ार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सिर्फ हमारे नौजवान भाई सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, हम युवाओं को रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे युवा साथी केवल रोजगार मांगने वाले न बने, रोजगार मांगने के स्थान पर रोजगार देने वाले बने। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी प्रारंभ की है। हमने पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों के लिए उनका वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय किया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में जो MBBS इंटर्न के स्टाइफंड को 7,500 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, PCS, NDA, CDS और उसके समकक्ष जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने वाले जिनकी पारिवारिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ऐसा भी हमने निर्णय किया है। भाइयों और बहनों, लगभग पिछले 1.5 वर्ष से हमारा प्रदेश कोविड महामारी से लड़ रहा है। सरकार ने आप लोगों के सहयोग से कोविड का सामना करने के लिए मजबूत और प्रभावशाली कदम भी उठाए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी आवश्यक वस्तुएं सुनिश्चित की गई हैं। सभी जिला अस्पतालों में CSC और PSC में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर, ICU, वेंटिलेटर, जरूरी दवाइयों के साथ साथ ही बच्चों के अलग से बाट की व्यवस्था की गई है। सबको मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन अभियान में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और हमने ये लक्ष्य तय किया है और मैं प्रधानमंत्री जी का पुनः आप सबके माध्यम से उत्तराखंड की जनता की ओर से पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने उनसे वैक्सीन का जो यहाँ का कोटा है वो बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस महीने हमको 17 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो गई है अभी तक और अगले 4 माह में
हम प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन इसका कर दिया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों के बाद हमने बावजूद भी हमने कोविड से प्रभावित लोगों को जितना संभव हो सकता है राहत पहुंचाने की कोशिश की है। प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन और परिवहन और इसके साथ साथ सांस्कृतिक दल जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी दे रहे हैं। इससे लगभग 1,64,000 लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो हेल्थ वर्कर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको प्रोत्साहन देने और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार करने के लिए 205 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दे रहे हैं। कोविड प्रभाव को देखते हुए हमारे नौजवान बेरोजगार भाई जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों में चयन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी गई है जो 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। प्रिय प्रदेशवासियों, विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी का प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी स्मृति में हम सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ करने जा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जिन्होंने हमारी लोक संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को अपने गीत संगीत के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम किया है, हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी को पद्म पुरस्कार दिए जाने की भी संस्तुति की है। हमने महिलाओं और किसानों के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण हेतु भी संकल्प लिया है। राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी खेती, जैविक खेती, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण को मजबूती देना जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की आय को दुगना करने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने पर भी सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश में लगभग 650 खाद्य प्रसंस्करण केंद्र हैं जिनकी संख्या को बढ़ाने पर भी कार्य किया जा रहा है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं में 33% से लेकर 100% तक अनुदान दे रही है। आज उत्तराखंड की सब्जियों और फलों की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी के बाजारों में भी हो रही है। बहुत से प्रवासी उत्तराखंडवासी अपने गाँव में लौटकर बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को रोजगार के माध्यम के रूप में अपना रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता योजना के अंतर्गत किसानों को 3 लाख रुपये और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके माध्यम से हमारे जरूरतमंद किसान भाई पारंपरिक खेती के साथ साथ पशुपालन, जड़ी बूटी उत्पादन, डेयरी, बेमौसम फल सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों में आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब तक प्रदेश के लगभग 9 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। सौर ऊर्जा और पिरुल ऊर्जा नीति ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सहायक हो रही है। पर्यटन का क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको ग्रामीण एवं युवाओं की आजीविका से जोड़ने में हमने कामयाबी प्राप्त की है। हमारी होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। ट्रैकिंग मार्गों पर होम स्टे की विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के अलग से विंग बनाई गई है। पर्यटन क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष व वेलनेस, आईटी और ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टरों पर विशेष फोकस किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य के सुधारों की सराहना करते हुए भारत सरकार द्वारा 702 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान की गई है। हमने एसएमई के केंद्र में पर्वतीय क्षेत्रों को रखा है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित अप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा राज्य पिछले वर्ष वन नेशन वन कार्ड योजना से जुड़ गया है जिसके अंतर्गत हमारे राज्य के राशन कार्ड धारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा मिल गई है। एक महत्वपूर्ण योजना जो
प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 63 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के में हम राज्य के नगरीय क्षेत्रों में जो बेघर हैं बेसहारा हैं ऐसे लोगों के लिए लगभग 25,000 मकान बनाने का भी प्रावधान कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने विकास के हर फ्रंट पर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर थे और आज हमारा स्थान 3रा हो गया है। ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी इंडेक्स में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है। हमने इन 4.5 वर्षों में 759 चिकित्सकों की नियुक्ति की है, जबकि इससे पूर्व के 5 वर्षों में 207 चिकित्सकों की तैनाती की गई थी। इसी अवधि में मातृ मृत्यु अनुपात 201 से घटकर 99, शिशु मृत्यु दर 38 से घटकर 31 और बाल मृत्यु दर 41 से घटकर 31 हो चुकी है। अटल आयुष्मान योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपये वार्षिक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। 2 लाख से भी ज़्यादा लोग इस योजना का अभी तक लाभ ले चुके हैं। देश भर के 22,000 से अधिक अस्पताल इसमें सूचीबद्ध हैं। चाहे नहरों का निर्माण हो, बाढ़ सुरक्षा कार्य हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को या कूड़ा प्रबंधन के कार्य हो, हमने हर क्षेत्र में बढ़कर कार्य किया है। परिवहन निगम ने सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाई है बल्कि प्रति किलोमीटर आय और बसों का लोड फैक्टर भी बढ़ाया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायती राज की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि की गई है। जहाँ पिछली सरकार ने 1639 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को अपग्रेड करते हुए 23 नए राजमार्ग बनाए थे, हमारी सरकार ने 5,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई के मार्गों को अपग्रेड करके 250 से भी अधिक मार्ग निर्मित किए हैं। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर यह उपलब्धियां हमें विश्वास दिलाती हैं कि उत्तराखंड विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम देश के शीर्ष राज्य भरपूर न बन पाए। विकास की इस यात्रा में हमें केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरे सभी सहयोगियों को बहुत अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजना प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और 889 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड परियोजना में तेजी से काम किया जा रहा है। बीआरओ द्वारा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी आदि सीमांत जनपदों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1,000 करोड़ रुपये और केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 915 करोड़ रुपये की स्वीकृतियाँ अभी तक प्राप्त हो गई हैं। वह समय दूर नहीं है जब दिल्ली से देहरादून मात्र 2 घंटे में आ सकेंगे। हरिद्वार देहरादून का सफर अब केवल 45 मिनट में पूरा किया जा रहा है। देहरादून से टिहरी झील के लिए 2 लेन टनल और पीलीभीत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भी केंद्र से सहमति मिल चुकी है। वर्षों से रुके हुए डोबरा चाटी पुल के पूरा होने से प्रतापनगर और टिहरी के बीच 80 किलोमीटर की दूरी कम हुई है और क्षेत्र की जनता को राहत मिली है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण करते हुए इसे पहले से भी अधिक भव्यता प्रदान की गई है और बद्रीनाथ धाम के लिए भी नई कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त भारतमाला प्रोजेक्ट, भारत नेट फेज 2, जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसे कई परियोजनाएं उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दे रही है। दिल्ली रामनगर कार्बेट इको ट्रेन चलाने की भारत सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी है। टनकपुर बागेश्वर के ब्राडगेज सर्वे और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री के रेल लाइन के सर्वे को भी भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई है। हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेल मार्ग से जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इस संबंध में शीघ्र ही माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात करूंगा।
हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था के निराकरण के लिए आउटर रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। पिछले 4 वर्षों में केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाओं की स्थापना हुई है। इसमें ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपेट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर, साइंस सिटी आदि शामिल हैं। भाइयों और बहनों, इस बार टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। जहां एक ओर भारत को एथलेटिक्स में पदक मिला है, वहीं दूसरी ओर हमारी पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। हमारे प्रदेश की बेटी वंदना कटारिया ने महिला हॉकी टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी का सर गर्व से ऊंचा किया है। इससे उत्साहित होकर हमने प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति लाने का भी निर्णय लिया है। स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल एवं शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। देहरादून में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों का न्यूनतम एक सेंटर स्थापित किया जाएगा। राज्य की स्थानीय संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की जाएगी। प्रिय प्रदेशवासियों, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हम इनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोविड महामारी के कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई और उनके रहन सहन का काफ़ी कुप्रभाव पड़ा है। कोविड काल में प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया है। ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। राज्य सरकार इन बच्चों का एक अभिभावक की तरह पूरा संरक्षण करेगी। स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, लेकिन मैं सभी शिक्षक वर्ग का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने ऐसे कठिन समय में ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ाई का काम शुरू किया। ऑनलाइन पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए मैं आज के इस महान पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यह घोषणा करता हूं कि हम अपने राज्य के राजकीय स्कूलों को कक्षा 12 और 10 के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट प्रदान करेंगे। इन मोबाइल टैबों में सभी शिक्षण सामग्री पहले से ही लोड रहेगी। यही नहीं, कोरोना की तीसरी लहर से अपने बच्चों को बचाने के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य सामग्री का भी वितरण करेंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे देश के पलायन और भूमि की अनाधिकृत खरीद फरोख्त के संबंध में जनता द्वारा चिंता प्रकट की गई है। इस विषय में हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू करने जा रही है। इस वेरिफिकेशन के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पहाड़ की संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सुरक्षित रखा जा सके। पलायन की समस्या को रोकथाम के लिए हम शीघ्र ही उत्तराखंड के नौजवानों एवं पूर्व सैनिकों की सहायता से केंद्र सरकार के साथ मिलकर हिम प्रहरी योजना लागू करेंगे। भू कानून को लेकर भी विभिन्न माध्यमों से जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, उन पर मैं समग्र रूप से विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो जहां एक ओर उत्तराखंड की भूमि के संरक्षण का ध्यान रखेगी, वहीं दूसरी ओर रोजगार एवं निवेश संबंधी विषयों का भी ध्यान रखेगी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी समय समय पर चिंता व्यक्त की गई है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी सरकार तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों तथा जन भावनाओं का हमेशा ध्यान रखेगी। मैंने प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री मनोहर कांत ध्यानी जी से इस विषय पर आग्रह किया है कि वह देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि देवस्थानम बोर्ड के संबंध में जन भावनाओं के अनुरूप एक सुविचारित निर्णय लिया जा सके। आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण क्लाइमेट चेंज की चुनौती के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और जनसंख्या वृद्धि इस समस्या को अधिक बढ़ा रही है। प्रदेश की जनता भी इसको लेकर विशेष रूप से चिंतित है। हमारी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर एक प्रभावी कानून लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संकल्प लें, राष्ट्र निर्माण
राष्ट्र सेवा के लक्ष्य में अपना शत प्रतिशत योगदान देंगे। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार अंत्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमारा एजेंडा बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है देश। पीएम मोदी ने लाल किला पर फहराया तिरंगा, बोले सीने को छलनी करता है बंटवारे का दर्द। लखनऊ में विधानसभा के गेट पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, बोले हमारे पूर्वजों ने की थी श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना। पीएम मोदी ने की देश के डॉक्टरों की तारीफ, बोले गर्व से कह सकते हैं हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। लाल किला की प्राचीर से पीएम मोदी ने दिया नया नारा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। हार्दिक तालियों से स्वागत कीजिए पदक विजेता इन वीर जवानों का। इसके बाद हार्दिक स्वागत उपनिरीक्षक श्री कृष्ण चंद्र। हार्दिक स्वागत उपनिरीक्षक श्री कृष्ण चंद्र भट्ट, आरटीसी देहरादून। अग्रिम क्रम पर यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल के अगले क्रम पर हम आमंत्रित करते हैं मुख्य आरक्षी श्री राधे बल्लव राणा, एटीसी हरिद्वार। इसके पश्चात मुख्य आरक्षी सुनील तोमर, एटीसी हरिद्वार। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर सेवा के आधार पर एवं विशिष्ट कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। सेवा के आधार पर सराहनीय सेवा पदक हेतु हम आमंत्रित करते हैं श्री राजन सिंह रौतेला, पुलिस उपाधीक्षक जनपद पिथौरागढ़। और सेवा के आधार पर ही सराहनीय सेवा के लिए
माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक श्री भगवती प्रसाद पंत, मुख्य आरक्षी 40वीं वाहिनी पीएसी। विशिष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक श्री अंकुश मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ साइबर थाना देहरादून। विशिष्ट कार्यों हेतु अगले क्रम पर मंच पर सादर आमंत्रित श्री उमेश कुमार, उपनिरीक्षक एसटीएफ। हार्दिक तालियों से स्वागत कीजिए सभी पदक विजेताओं का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य के पर्वतारोहियों को सम्मानित किया जा रहा है। 1 जून 2021 को माउंट एवरेस्ट अभियान दल में टीम लीडर कर्नल आईएस थापा, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान पहलगाम जम्मू कश्मीर में कार्यरत। इसी अभियान के डिप्टी लीडर कर्नल अमित बिष्ट, सेना मेडल, प्रधानाचार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी। माउंट एवरेस्ट अभियान दल के सदस्य हवलदार अनिल कुमार, प्रशिक्षक। अदम्य साहस से प्रकृति की चुनौतियों को स्वीकार करने वाले पर्वतारोहियों में अगला नाम है नायक चंद्र सिंह नेगी, प्रशिक्षक, माउंट एवरेस्ट अभियान दल के सदस्य। अगला क्रम खिलाड़ियों का, हैट्रिक कर टोक्यो ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी होने का गौरव उत्तराखंड की बेटी हरिद्वार से सुश्री वंदना कटारिया ने प्राप्त किया। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष वो उपस्थित हैं। उनके भाई सौरभ कटारिया इस सम्मान को लेने के लिए उपस्थित हैं। करतल ध्वनि से स्वागत। भारत की फुटबॉल टीम का आज की तिथि तक 28 बार प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी, वर्ल्ड कप, एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वालिफायर में प्रतिभाग करने वाले श्री अनिरुद्ध थापा, 1 से 15 जून दोहा कतर में इनकी टीम अब प्रस्थान कर रही है। इनके बिहाफ में इनके पिता श्री प्रमोद थापा इस सम्मान को स्वीकार करेंगे, जो स्वयं भी खिलाड़ी हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 दुबई के लिए चयनित खिलाड़ी सुश्री निवेदिता कार्की, जिन्होंने अनेक मेडल 28 किलोग्राम वजन वर्ग में स्वीकार किया, प्राप्त किया, स्वर्ण पदक विजेता हैं। उनके माता श्री पुष्पा कार्की जी ये सम्मान लेंगे। श्री अनूप बिष्ट, उप क्रीड़ाधिकारी एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त प्रशिक्षक को सम्मानित किया जाना है, जिनके प्रशिक्षु रेशमा पटेल के द्वारा एवं सूरज पवार के द्वारा राष्ट्र के लिए अनेक गौरव हासिल किए गए हैं। श्री अनूप बिष्ट, द्रोणाचार्य अवार्डी। तालियों के साथ इनका स्वागत। अगले क्रम में श्री KJS कलसी निर्णायक की भूमिका निर्वहित करते हैं। फेडरेशन कप, ग्रैंड प्री, 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, फेडरेशन एथलेटिक चैंपियनशिप और सीनियर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में बतौर निर्णायक श्री KJ कलसी ने प्रतिभाग किया है। कोविड काल में चिकित्सकों ने महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया।
जनपद स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सीएसआर के माध्यम से प्राप्त कोविड राहत सामग्री का बहुत बेहतरीन समन्वय चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, अन्य कार्मिकों के तैनाती में बहुत सुंदर कार्य किया, महत्वपूर्ण कार्य किया। कोविड काल में अस्थाई कोविड अस्पतालों की स्थापना, डॉक्टर एस के गुप्ता, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, करतल ध्वनि से स्वागत एवं अभिनंदन। संजीवनी पोर्टल की स्थापना, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड और प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले प्रभारी निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी, कोविड टीकाकरण हेतु केंद्र के स्तर पर समन्वय और वैक्सीनेशन की आपूर्ति सुनिश्चित रूप से कराने के लिए डॉक्टर कुलदीप मर्तोलिया को सम्मान दिया जाता है। औषधि एवं कोविड संबंधी सामग्री की निर्बाध आपूर्ति में प्रयासरत डॉक्टर हरीश चंद्र मर्तोलिया अगले क्रम में सम्मानित होंगे। नगर निगम देहरादून के पर्यावरण मित्रों ने पूरे मनोयोग के साथ पर्यावरण संरक्षण में प्रतिभागिता की। हम उनको सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव करते हैं। कोविड काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री सोनू पाल और उत्कृष्ट कार्यों के लिए ही श्री मनोज श्री रमन श्री रवि कोविड की दूसरी लहर की भयावहता में सराहनीय योगदान करने वाले व्यक्ति एवं संस्थानों को सम्मानित किया जा रहा है। सिविल डिफेंस से श्री उमेश्वर रावत इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए आगे आएंगे। द्वितीय स्तर में जब कोविड की दूसरी लहर थी तो सराहनीय कार्य किया है सिविल डिफेंस से श्री उमेश्वर रावत। राधा स्वामी सत्संग देहरादून श्री अजय सीकरी, तालियों के साथ सभी का सम्मान हम करते रहेंगे। संत निरंकारी मिशन मसूरी श्री हरभजन सिंह, तालियों के साथ स्वागत श्री हरभजन सिंह, संत निरंकारी मिशन मसूरी। दून व्यापार मंडल देहरादून श्री रवि आनंद, वाणा फाउंडेशन तहसील सदर श्री वीर सिंह, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद नेत्रालय देहरादून, स्वामी असीमानंद,
स्वामी असीमानंद, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुखों को तोड़ दो, बस अपने आँखों से औरों के सपने जोड़ दो। द्वितीय लहर में सराहनीय कार्य इन व्यक्तित्वों ने, इन संस्थानों ने किया। लिंडे इंडिया से सेलाकुई देहरादून, श्री सुरेंद्र सिंह। सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, अर्थात स्वामित्व। इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही मन से, मनोयोग से 24 अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया। पंचायती राज मंत्रालय की इस योजना में ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। प्रतीक रूप में हमारे 3 कृषक संपत्ति कार्ड को प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे। श्री पंचम सिंह, आप यमकेश्वर ब्लॉक से आमंत्रित किए गए हैं संपत्ति कार्ड को प्राप्त करने के लिए। श्री कुंवरपाल सैनी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।